हमारे प्यारे देशवासियों और कांग्रेस के जंबाज साथियों, आज हम सब 136 साल पुरानी अपनी कांग्रेस का स्थापना दिवस पूरे देश में बड़े व्यापक रूप से मना रहे हैं। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम है। कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस और उसके तमाम नेताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, संघर्ष किया, जेलों में कठोर यातनाएं झेली और बहुत से देशभक्तों ने अपने प्राणों तक का बलिदान किया। तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद हमें जो भारत मिला उसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन हमारे महान नेताओं ने बड़ी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय के साथ भारत के नवनिर्माण की एक मजबूत बुनियाद रखी, जिस पर चलकर हमने एक सशक्त भारत खड़ी किया। एक ऐसा भारत जिसमें सभी देशवासियों के अधिकारों और हितों का ध्यान रखा गया। जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमज़ोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुठलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। देश की विरासत को किसी को भी नष्ट करने की इजाज़त नहीं देगी। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी, हर कुर्बानी देगी। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक एक कांग्रेस जन को यही संकल्प लेना है और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कांग्रेस स्थापना दिवस पर और आने वाले नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय कांग्रेस।